सितंबर की कुछ ऐसी वेब सीरीज जो कि भरी पड़ी है हवस और हैवानियत से। सितंबर की कुछ ऐसी वेब सीरीज जिसे देखते वक्त आप किसी भी तरह की बोरियत फील नहीं करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में जिन्हें रिलीज की गई है सितंबर 2023 में, और इन सभी वेब सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7, अघोचरा। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक गैंग वॉर को दिखाती है, और असल में ये गैंग वॉर किस लिए हो रही होती है, इवन इस गैंग वॉर के पीछे किसका हाथ है, ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं बिंग ओरिजिनल पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 6, MY3। सीरीज बेस्ड है रोमांस ड्रामा एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसे ह्यूमन टच से एलर्जी है, लेकिन इसी बीच उसके लाइफ में एक रोबोट आती है और वो रोबोट से प्यार करना शुरू भी कर देता है, और लास्ट तक सीरीज में देखने लायक यह है कि इन दोनों की लव स्टोरी किस तरह सक्सेस होती है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 5, आखिरी सच। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे केस से जो कि आपको एकदम सी बरारी केस जैसे ही लगने वाली है। एक फैमिली जो कि मरी हुई पाई जाती है अपने ही घर में, लेकिन असल में इस केस को किस तरह सॉल्व की जाती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4। नंबर 4, काला। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे सोल्जर से जो कि बांग्लादेश के एक टर्नल को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच उस टर्नल से जो भी इलीगल काम कर रहे होते हैं वो उन सभी सोल्जर्स को मार देते हैं, और एक सोल्जर जो कि बच जाता है, और कंप्लीट सीरीज में इसी सोल्जर की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इस सीरीज में दूसरी तरफ आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी नजर आने वाले होंगे जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाले होंगे। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 3, द फ्रीलांसर। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड वॉर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अविनाश से, जिसे आलिया को रेस्क्यू करने के लिए सीरिया भेजा जाता है। आलिया एक सीधी साधी लड़की है जो कि अपने शोहर के साथ हनीमून मनाने जाती है, लेकिन वो एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाती है, और इसी बीच अविनाश किसी भी तरह से आलिया को उस ट्रैप से बाहर निकालना चाहता है, और अविनाश अपने इस खतरनाक मिशन को किस तरह कामयाब करता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.3। नंबर 2, स्कैम 2003। सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है तेलागी से, जिसने लगभग 30,000 करोड़ की स्टैम्प घोटाले को अंजाम दिया था, और असल में उसने इस क्राइम को किस तरह अंजाम दिया था, इवन इस क्राइम को करते वक्त कौन कौन उसके साथ थे, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे मुंबई मेरी जान। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में डी कंपनी के कंप्लीट हिस्ट्री को आपके सामने प्रेजेंट करती है, यानी कि इस सीरीज को देखने का मतलब ही है कि आप जान पाएंगे कि डी कंपनी की शुरुआत किस तरह हुई थी, और असल में इस डी कंपनी को खड़ा करने के पीछे किन किन का हाथ था। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।